हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवेंचर अर्थ में। दोस्तों फाइनली वैष्णो देवी दरबार से वापस आने के बाद जो प्लान है वो ये है कि हम करवाने वाले हैं थार को मॉडिफाइड, कि हमें कौन कौन सी एसेसरीज इसमें डलवानी है या क्या चेंजेस हमने करवाना है कि अपनी थार की जो लुक है वो बिल्कुल सबसे अलग दिखे। इसके लिए मैं बता देता हूँ कि मैंने जो सोचा है वो फ्रंट ग्रिल, लाइट और इसमें अलॉय भी है, बट अलॉय वगैरह इस टाइम चेंज नहीं करवाने, हमने बेसिक चीजें इसमें चेंज करवानी है जो होने वाली है। तो देखते हैं कि उससे लुकिंग अपनी कितनी बदल जाती है। फिलहाल जो थार की लुक है वो आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये लुक है, और इस लुक से जो अभी हम चेंज करवाने जा रहे हैं उसके बाद हमारी थार की जो लुक है वो क्या निकल के आती है देखते हैं। सबसे पहले मैं जाऊंगा सिकंदगढ़ लुधियाना में, कि लुधियाना में जो सिकंदगढ़ वाला उनके पास मैं जाऊंगा और वहां पे देखते हैं कि हमें कौन सी चीज की क्या प्राइस या रीजनेबल रेट मिलती है या नहीं। अगर वहां से हमें रेट कुछ ज्यादा मिलती है तो हम जाएंगे लुधियाना में ही दुगरी। लाइट है सिकंदगढ़ वाले को हमने पूछा कि हमारी जो लाइट है जो थार को लगी है वो कितने में रिटर्न लोगे, तो ये बोल रहे हैं 800 में कंपनी में है या 800 में हम रिटर्न। तो गाइस फाइनली हम सिकंदगढ़ से वापस आ चुके हैं, क्योंकि सिकंदगढ़ का जो रेट है वो हमें थोड़ा ज्यादा लगा। सो हमने सोचा कि एक बार क्यों ना हम ट्राई करते हैं
दुगरी रोड लुधियाना में जाके कि वहाँ पे क्या रेट हमें मिलता है। सिकंद कार वाले के पास हमें जो लाइट की रेट है वो तकरीबन 20,000 प्लस ही थी, 20,000 25,000 या 30,000, और जो हमें ग्रिल की रेट थी, जो फ्रंट वाली हमने जो रेंगलर की ग्रिल चेंज करवानी है उसकी रेट जो है वो हमें बताई गई थी 12,000, और उसके अलावा जो जो भी चीजें थी वो हमें उनकी रेट कुछ ज्यादा ही लगी। सो हमने सोचा कि क्यों ना हम दुगरी रोड पे जाके एक बार पता करते हैं, अगर वहां पे अच्छा लगा तो वहां से हम डलवाएंगे। सो मिलते हैं आपको दुगरी रोड लुधियाना। सो फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं दुगरी रोड लुधियाना में, और यहाँ पे जो रेट हमने पता किया उसका जो फर्क था वो रात और दिन का था, मतलब डबल फर्क था। हमने यहाँ पे जो जाली है वो जाली पता की है तकरीबन 4,000 में, यहाँ पे जो ग्रिल है फ्रंट वाली फ्रेंगलर ग्रिल वो हमें 4,000 में यहाँ पे मिल रही है, और जो लाइट है वो लाइट मिल रही है हमें 8,500 रुपये में, जो आप देख रहे हो ये लाइट 8,500 रुपये में यहाँ पे मिली है, और जो जाली है वो 4,000 में। लगभग हमने सारी चीजें, मतलब कि इसमें ये लाइट जो है ये 1,300 रुपये में, और जो फोग लैंप लाइट है वो 6,500 रुपये के बल्ब्स है, जो LED बल्ब्स आते हैं वो, ये जो लाइट है इन दोनों में कोई सी भी हम डलवाते हैं, जिसपे एक पे थार लिखा हुआ है और दूसरी सिंपल है, तो मैंने ये थार वाली डलवानी है, एक दूसरी ये सिंपल है, तो ये दोनों लाइटों में भी हम कोई सी भी लाइट अगर डलवाते हैं। और ये लाइट ऐसे जगनी है जैसे हम जब ब्रेक लगाएंगे तो ये ऐसे चलेगी, और जब इंडिकेटर हमने चलाने हैं तो इंडिकेटर पे ये लाइट इस तरीके से चलेगी, मतलब साइड से स्लाइड होगी। तो ये देख सकते हो आप कि हम ये लाइट जो डलवा रहे हैं इसकी प्राइस 1,300। हमने क्या क्या एक्सेसरी डलवानी है, हमने फ्रंट ग्रिल चेंज करवानी है, फ्रंट लाइट चेंज करानी है, फोग लैंप के बल्ब चेंज कराने हैं, और बैक में ब्रेक लाइट चेंज करवानी है। इन सभी की जो प्राइस है वो मैं लास्ट में बताने वाला हूँ, क्योंकि ये जो प्राइस है ये इतनी कम प्राइस है कि सिकंद कार से आधे पैसों में भी, आधे से भी कम पैसों में हमें ये पार्ट मिले हैं यहाँ पे। सो मैं अंत में आपको बताने वाला हूँ, आप वीडियो पर बने रहिए कि हमने क्या क्या पार्ट कितने पैसों में और पैसे हमने सिकंद कार पे सुने थे, वहाँ पे तो मन बना लिया था कि नहीं चेंज ही नहीं करवाना, पर जब दुगरी रोड यहाँ पे हम पहुंचे सो कम्प्लीटली हमने जो जो चीज चेंज होने वाली है वो टोटली हमने चेंज करवा दी है।
सो अभी निकलते हैं हम कार को वॉश करवाने। कार को वॉश होने के बाद आप कार की लुकिंग दे सकते हो, कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। हमने कार को मॉडिफाई करवा ली है, कार को जो मॉडिफाई होने वाली एक्सेसरीज है वो सारी हमने कम्प्लीटली डलवा ली है। बट इसका प्राइस आप जानकर हैरान हो जाओगे कि इतनी कम प्राइस में हमने इतना सारा सामान हमने डलवा लिया है, वो भी 6,500 रुपए के फोग लैंप के जो उपलब्ध है वो 6,500 रुपए का अगर हम निकाल दें तो कुछ भी नहीं है पैसे। यहाँ पे आने के बाद हमें जो सारा कम्प्लीटली जितना भी सामान है, फ्रंट ग्रिल हो गई, फ्रंट लाइट हो गई और वो स्प्रे हो गया, और बैक की जो ब्रेक लाइट है वो, और इसके अलावा फोग लैंप के बल्ब, ये सारी चीजें अगर हम सिकंद कार पे डलवाते हैं तो तकरीबन हमारा जो बजट है वो 1,00,000 के समथिंग चाहिए था। बट यहाँ आने के बाद हमने दुगरी रोड पे जो एसेसरी सारी डलवाई है, यहाँ आने के बाद जो कम्प्लीटली बजट अपना है वो बना था 29,000 का। जो बिल अपना 29,000 का बना था उसमें भी हमने बार्गेनिंग करके और उनको 26,000 रुपए में फाइनल किया था, और 26,000 रुपए में हमने ये सारी एसेसरी डलवाई है। आप सोच भी नहीं सकते कि 26,000 में हमने थार को कम्प्लीटली मॉडिफाई करवा ली है। सो जो बेसिक चीजें डलने वाली है वो चीजें हमने 26,000 रुपए में डलवा ली है। तो गाइस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। We'll be right back.